नमस्कार, मैं हूँ शिखा सराय। जन जन की आवाज़ लेकर हम फिर से कांग्रेस भवन में हैं एक बार। और आज जो बहुत लेटेस्ट और हॉट टॉपिक, सबसे गर्मा गर्म खबरें ये है कि सीएम सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनको हिरासत में ले लिया गया है। उत्तराखंड चले गए थे, या कहिए कि उत्तराखंड भाग गए थे। निशिकांत दुबे ने भी इसमें कंज तसा है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, सीएम सोरेन के जो ये है विधायक पंकज मिश्रा पकड़ा, जो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये हाथ जो है हेमंत सोरेन तक भी जा सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये आज नहीं, बल्कि इस महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी उस दिन से कर रही है जिस दिन से इस राज्य में जनता के प्रेम आशीर्वाद से महागठबंधन की सरकार बनी। क्योंकि ये हार भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं पा रही है, और स्वाभाविक है कि उनके पास तंत्र है। अब ईडी का इस्तेमाल वो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो करते रहें। जो सच्चाई है, जनता उससे अवगत है, जनता उस बात को जानती है, उसमें कहीं कोई ज़्यादा बयानबाजी की हमें लगता आवश्यकता नहीं है। और न्याय संगत जो भी कार्रवाई हो, वो ईडी स्वतंत्र है करने के लिए। देखिए, विपक्षी ने इस बारे में भी हमला बोला है कि बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी है, जैसे अभी खूंटी के एसडीएम रेप छेड़खानी आरोप में गए, आईएफएस अधिकारी आज पकड़ा गया अंशुमन, उनके ऊपर भी रेप का, इतने बड़े बड़े अधिकारी तो कह रहे हेमंत सोरेन सरकार में अधिकारी जो है वो बेलगाम हो गए, इस पर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये बोलने वाले की मानसिकता गंदी है। चूंकि अगर इस तरह के कारनामे किसी के सरकार में होते हैं, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो एक दुष्कर्म पीड़ित पिता उनके समक्ष न्याय की गुहार लगाने गया था, और इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उस पिता को मंच से दुत्कार करके रघुवर दास जी ने नीचे उतार दिया था। तो ये आत्मचिंतन भाजपा के लोगों को करना चाहिए, और ये किसी सरकार का लगाम या बेलगाम की बात नहीं है, ऐसे लोगों की मानसिकता होती है। जो किसी स्तर पे ऐसे मानसिकता वाले लोगों का समर्थन नहीं किया जा सकता। तो हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने के पहले कम से कम एक बार आत्मचिंतन उनको कर लेना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत ही गर्म है माहौल, कौन किसको ये समर्थन देगा, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस चाहे यशवंत, क्या लग रहा है, मतलब जेएमएम की तरफ से क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधी की, एक विचारधारा गोडसे की। तो स्वाभाविक तौर पे इस देश में जो गांधी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जिनको गांधी के ऊपर आस्था है, वो 100% गांधी के विचारधारा वाले जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, उनके पक्ष में आएंगे। और ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विधायकों के साथ बैठक करके आदरणीय गुरुजी को इसके लिए अधिकृत किया है। तो हमें लगता है कि गुरुजी राज्य और देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे यह विश्वास है कि गुरुजी का निर्णय विपक्ष के पक्ष में ही होगा। अगर मान लीजिए गुरुजी का निर्णय रहता है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना है, तो क्या कांग्रेस नाराज हो जाएगी? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ था, तो उस गठबंधन में राष्ट्रपति चुनाव नहीं था, बल्कि गठबंधन इसलिए हुई थी कि जो अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को लूट खंड में तब्दील कर दिया था, जनता त्राहिमाम थी, तो इनसे निजात दिलवाने के लिए और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए हमारा गठबंधन है। और ये एक स्वाभाविक गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है। तो हमें लगता है कि इससे कोई नाराजगी की बात नहीं कही जा सकती। आखिर से एक बात बताइए, कुछ भी छोटा विवाद होता है तो बात बात पे ये कहा जाता है गठबंधन टूट जाएगी, गठबंधन टूट जाएगी। आपको लगता है रियलिटी में आप लोगों के बीच ऐसा होता है, या फिर मार्केट में ये अफवाह होता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये मीडिया ट्रायल होता है। अब पता नहीं कि ये समाचार कहाँ से मीडिया में आ जाती है कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन जुड़ जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये मीडिया ट्रायल की बातें हैं, लेकिन ऐसी महागठबंधन में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। चलिए, तो आपने देखा कि राकेश सिन्हा से हमने एक्सक्लूसिव बात की और साफ तौर पर कहा कि गठबंधन टूटने की जो बार बार खबरें आती है, असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, मीडिया ट्रायल है, न जाने कहाँ से ये बातें आ जाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा सराय अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।